अस्सलाम वालेकुम ग्रेड टू, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम योर एसएसटी टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस निवार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4, यूनिट नंबर 1 पाकिस्तान। उससे पहले प्यारे बच्चों, हम आप आज क्या करने वाले हैं, आज हमने पिछले 3 लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ा है हम उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि हमारी कंट्री का नाम क्या है। वेरी गुड, हमारी कंट्री का नाम पाकिस्तान है। बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? वंडरफुल ग्रेट टू, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। और वो 4 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं? राइट करवाएं मुझे। सबसे पहले है पंजाब, उसके बाद सिंध, केपीके और बलोचिस्तान। तो बेटा, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पंजाब में। वेरी गुड। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हम लोग पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट प्रोविंस कौन सा है? वेरी गुड, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट प्रोविंस बलोचिस्तान है। यहाँ तक सबको रिवाइज है? वेरी गुड। उसके बाद बेटा, आप लोगों को कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के 5 रिवर्स हैं। पाकिस्तान के कितने रिवर्स हैं? 5। वंडरफुल। और हमने बोला था कि पाकिस्तान का एक नेशनल फ्लैग है। और हमने उसके बारे में ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तान के फ्लैग का कलर ग्रीन और वाइट है। ग्रेड 2 को तो याद है। और ग्रीन कलर हमने बोला था मुस्लिम्स के लिए है और व्हाइट कलर हमने कहा था माइनॉरिटी के लिए है। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यस, हमने बोला था कि पाकिस्तान की कुछ कैश क्रॉप्स हैं। तो पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स कौन सी हैं? वेरी गुड, वीट, राइस, शुगर केन, मेज। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा हमारी कंट्री का नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फुल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट प्रोविंस है पंजाब, और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट प्रोविंस है बलोचिस्तान। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के 5 रिवर्स हैं, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है और नेशनल फ्लैग का कलर ग्रीन और व्हाइट है। ग्रीन कलर मुस्लिम्स के लिए है और व्हाइट कलर माइनॉरिटीज के लिए है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की कुछ कैश क्रॉप्स हैं जो कि वीट, राइस, शुगर केन और मेज है। उसके बाद बेटा, आप लोग अपनी बुक का पेज खोलेंगे, इस फुल पेज की आज आप लोग बुक रीडिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारे लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज का पेज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल सिटी, नेक्स्ट इज अब्दुल कदीर खान, 4 इंडस रिवर। सो लुक एट द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, एंड द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है पाकिस्तान का? क्या 4 आएगा इसमें या फिर अब्दुल कदीर खान? बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो आएगा इंडस रिवर। इस्लामाबाद इज द डैश ऑफ पाकिस्तान, क्या आएगा इसमें ग्रेड 2? अब्दुल कदीर खान, 4 या फिर कैपिटल सिटी? वंडरफुल, इसमें आएगा कैपिटल सिटी। उसके बाद थर्ड फिल इन द ब्लैंक को देखें, डैश इज द पॉपुलर साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पॉपुलर साइंटिस्ट कौन सा है, सबसे मशहूर साइंसदान? वेरी गुड, अब्दुल कदीर खान। अब देखिए, लास्ट फिल इन द ब्लैंक है और उधर हमारे पास वर्ड भी लास्ट वाला है। पाकिस्तान हैज डैश प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस, 4 सूबे हैं पाकिस्तान। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी, राइट द नेम्स ऑफ 5 बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान की 5 बड़ी सिटीज के नाम लिखे, 5 बड़े शहरों के नाम।
जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लेकिन इसमें आप लोगों ने खुद से लिखना है, ये आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर सी इज मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, दिस इज आल्सो योर होमवर्क। ये भी आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों ने स्केल की हेल्प से इस इन कॉलम्स को मैच करना है। उसके बाद ओपन योर नोटबुक्स ऑफ एसएसटी, यू हैव टू मेंटेन डे डेट, टेक द होमवर्क एंड द टॉपिक इज पाकिस्तान। वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया है, फिल इन द ब्लैंक्स की है, जिसमें सेम क्वेश्चन था। तो कौन सा है? वंडरफुल ग्रेट टू इंडस रिवर। इसका आंसर है इंडस रिवर इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखेंगे आप लोग। एंड आज हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने अपनी मामा को इसका टेस्ट देना है और साथ में इसको लर्न भी करना है, ताकि आप लोगों की असेसमेंट अच्छी हो जाए। So Allah Hafiz, grade 2, see you soon.